अब देखना कल आएगी तेरे पास पुलिस। इतनी तारीफ की थी सच में लैम्बोर्गिनी वाला, क्या चमक रहा है भाई। वैसे हमारे पास अगर आप रात को आते हो तो और ज्यादा मजा आएगा। ये देखो क्या मस्त। ओके, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, मतलब मेरे को लग रहा है कि हम सबसे ऊपर आ गए। अब आप लोग अच्छे से देखो, यही वो गोला है जो ऊपर से शूट लिया गया था एंड नीचे वो लड़की डांस कर रही थी। आईफोन वाले बड़े दिमाग से काम लेते हैं। तो आजकल दिल्ली में ठंड होने लगी है, पंखा बंद करना पड़ रहा है, तो आज मैं पहले ही नहा लिया। तो आज हम कहाँ पे जाने वाले हैं वो मेरे को भी नहीं पता सही तरीके से, बस आपको जाएंगे और दिखा देंगे। बाय द वे, हम कल वाले व्लॉग में सोच रहे थे कि सुपर बाइक मिलेगी हमें। जब भी हम सोचते हैं कि आज सुपर बाइक मिलेगी, सुपर बाइक को देखेंगे या बात बात करेंगे उस बंदे से, तो उस दिन तो नहीं मिलती, और जिस दिन कोई प्लान नहीं होता ना उस दिन मिल जाती है। तो आज मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करने वाला, बाय द वे प्लान ऑलरेडी कर लिया। तो मैं आपसे सीधा बसंती पर मिलता हूँ, वरना फिर लेट हो जाएंगे। अभी दोनों सिस्टम शट डाउन कर दिए, बिकॉज सारा का सारा काम निपट चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला चश्मा लगा के रखूँ ऐसे करके, कैसा लग रहा है। बाय द वे ब्लू कट है, जब मैं एडिटिंग करता हूँ तो इसका यूज कर लेता हूँ। वेलकम टू जामिया मिलिया इस्लामिया। तो आज हम जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के साइड से, अभी प्लान बना रहे हैं नोएडा वाले हाईवे पे जाएं और वहाँ पे बसंती को भगा कर देखेंगे। ये वाला रोड काफी मस्त है, बट यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता है, गाड़ी चलती ही रहती है। ये देखो ट्रैफिक, एक लाइन में ट्रैफिक और इस वाली में नहीं है। तो ये वाला रोड हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही लिया, काफी टाइम लग गया भाई, ट्रैफिक मिल ही जाता है। और ट्रैफिक में मैं आपको बार बार दिखाऊँ यार, मजा नहीं आता फिर बिल्कुल भी। और नोएडा से देखते हैं कहाँ पे जाते हैं आज। ये देखो खतरा खतरा खतरा, इससे तो पीछे रहो भाई, हमेशा पीछे रहो। पता है कभी कभी क्या होता है, ये पीछे की साइड खींच जाते हैं और एक्सीडेंट हुआ देखा है मैंने काफी टाइम, कार में को आर पार हो गए थे। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिया करो ऐसे प्लेस पे, पता नहीं ये रोड कहाँ तक रहेगा ऐसा। हमें हाईवे मिल जाए फिर हम अपनी बसंती को दौड़ाएंगे और क्या। और ये जो वाइब्रेशन कर रहा है ना, मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं इसको कभी का निकाल देता। यहाँ पे पता नहीं ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है जाकर। तो मैं काफी टाइम से यार दिल्ली में घूम रहा हूँ और मैंने दिल्ली में इससे बड़ी बिल्डिंग आज तक नहीं देखी। ये मेरे को दिल्ली का बुर्ज खलीफा लग रहा है। आप लोगों को कैमरे में पता नहीं सही से दिख पा रही होगी या नहीं, बट ये बहुत ऊंची बिल्डिंग मेरे को लग रही है। अभी तक दिल्ली में मैंने इससे ऊंची बिल्डिंग नहीं देखी, कभी देखी तो मैं आपको बताऊंगा। मैं इस बिल्डिंग के काफी पास, और अभी बिल्डिंग मेरी बन जाती तो काफी पास आ चुका हूँ मैं इस बिल्डिंग के, बहुत ऊपर तक दिख रही है मेरे को, काफी सही लग रही है मेरे को बिल्डिंग। और अभी इसमें ऊपर काम ही चल रहा है, तो मेरे को जाना है ग्रेटर नोएडा। बसंती की जो छोटी वैन है वो अभी हमारे साइड से निकली और बहुत खतरनाक स्पीड से, लेट्स सी क्या होता है। और ये जो बसंती की बहन है ये हमारी साइड में ही है भाई, लीन कराने में ना थोड़ी बहुत फटती है, देखो ये गोल चक्कर आ जाता है ना, पूरी लीन करानी पड़ जाती है, और ये बंदा सुकून से करा रहा है। वाओ, फाइनली हाईवे पे आ चुके हैं, और हाईवे पे आते बच गए। हाईवे पे आने के बाद तो भाई बहुत खतरनाक जोश आ जाता है मेरे अंदर। तो अब मेरा मन कर रहा है कि बसंती की बहन को पीछे की जाए, एंड भाई ने मिरर लगवाए हुए हैं, काफी सही लग रहे हैं। चलो चलो टाटा बाय बाय। तो अब हम आ चुके हैं नोएडा वाले रोड पे, यहाँ से नोएडा जाएंगे और वेनिस मॉल का प्लान बन रहा है, अगर गए तो गए वरना नहीं। तो मैं हाईवे का थोड़ा बहुत फील ले रहा था और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा था यहाँ पे, इतने में ही क्या हुआ, बसंती की बहन है जो वो आगे निकल गई। मैं अब तक सुन ही रहा था इस हाईवे के बारे में, आज फाइनली मैंने इसको देख भी लिया, अब आगे जाके देखेंगे कि कैसा हाईवे है ये। मैंने इस वाले हाईवे पे काफी सुपर बाइक्स की वीडियो देखी है भाई, बहुत स्पीड से लेकर जाते हैं यार। अरे 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 क्या कट मार रहा है भाई बंदा, तो भाई खतरनाक कट मार रहा है भाई, एंटोर काफी भाग लेता है। इसकी स्पीड है ना, मैंने टॉप स्पीड देखा है इसका 105 तक जाता है। टीवीएस वाले बोलते हैं कि 98-95 लास्ट बताते हैं, बट कुछ लोग इसको 100 प्लस लेकर चले जाते हैं। मेरे को फील आ रहा है कि हाँ हम हाईवे पे हैं, मजा सा आ रहा है बसंती को चलाने में। इंशाल्लाह किसी दिन हम इस वाले हाईवे पे को ड्रीम बाइक भी चलाएंगे अपनी। ये देखो गाइस यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रेस्क्यू लेन, हम गलत चल रहे हैं, बस लेन, कार लेन, ओवरटेकिंग लेन। तो बाइक वाले कहाँ पे को चलाएंगे, इस सफेद सफेद पट्टी पे को चलानी है क्या बाइक वालों को। ये आ चुके हैं हम परी चौक पे और जी नोएडा। ये लो आप लोग देख सकते हो GL बजाज नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप इसमें भी आ सकते हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बैनर लगवा दिया जाए यहाँ पे, अरमान सुनीत को सब्सक्राइब करो, 1,00,000 रुपए महीना लगेगा यहाँ पे बैनर लगवाने का। इस तरह के रोड पे को मेरे को काफी डर लगता है, पता है क्यों, ये चिकना चिकना सा रोड रहता है, वैसे गिरती तो नहीं बाइक, बट डर लगता है कि यार फिसल ना जाए। तो फाइनली आप लोग सामने देख सकते हो वेनिस मॉल। वेनिस मॉल में तो हम जा रहे हैं, लेकिन यार हम खुद ही घूम पाएंगे, हम आप लोगों को नहीं घुमा पाएंगे। एक दो शॉट ले सकते हैं, वो भी शॉट ले सकते हैं एक दो मोबाइल से, वो भी कहने का मतलब ये है कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, और कैमरा अलाउ नहीं होगा तो आपको पता है वीडियो शूट नहीं हो पाएगी आप लोगों के लिए। तो हम यहाँ पे खाते हैं पहले बिरयानी, बहुत खतरनाक वाली भूख लगी है, और हम अभी रॉन्ग साइड चल रहे हैं। डरा दिया मैंने इसको, नीचे लगा दो, नीचे लगा दो पार्किंग में। ये रही अपनी बसंती, और देखो कितनी गंदी सी ओरेली है, यहाँ से बारिश में भीग गई थी, उसके बाद मैंने इसको वॉश नहीं कराई। बाय द वे वेनिस वॉल सामने ही है यहाँ पे, बस कितने रुपए की लगाते हो, एक 30 रुपए की एक लगा दो। क्या क्या मिलता है साथ में, चावल 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 में प्याज वगैरह नहीं मिलते,
नाम क्या भाई? अब तो गया तू, कैमरे में आ गया, गया। अब देखना कल आएगी तेरे पास पुलिस। हम जिम्मेदार नहीं है, तू खुद आया है। अभी तक तो मेरे को ये भी नहीं पता कि एंट्री कहाँ से होती है। ओहो यार, इतना बड़ा मॉल तो बना लिया, बट वो जहाँ पे लिखा हुआ है ना द ग्रैंड वेनिस मॉल, इसको भी साफ करवा लिया करो यार। मेरे को लग रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है ये। आगे मंदिर है क्या? अच्छा डिजाइन है ऐसा। यहाँ से मेरे को ये फ्रंट है, बट फ्रंट गेट कहाँ है? तो गेट बोलो ना, गेट यहाँ पे। तो आप पीछे से आओगे तो यहाँ पे गेट है, ये गेट नंबर 2 है। यहाँ पे काफी सारे सॉन्ग की शूटिंग हुई है, बड़े बड़े सॉन्ग बड़े बड़े सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग की शूटिंग हुई है। और यहाँ पे वे टू पार्किंग, तो यहाँ पे है टू व्हीलर एग्जिट एंड यहाँ से है टू व्हीलर एंट्री। ओके यहाँ से हम एंट्री करते हैं। कितने? 30 रुपये। कितने घंटे के? कितने घंटे के? 8 घंटे के मान लें। कैमरा अलाउ है ना मॉल में? अलाउ है, वीडियो बना सकते हैं। टू व्हीलर पर एंट्री फीस ओनली 30। भाई पहले 20 था ना, ये गलत बात है, हमारे आते 10 बढ़ा दिए तुमने। कहीं भी लगा सकते हैं आगे जाके कहीं पे। ओके थैंक यू। पार्किंग तो पूरी एयरपोर्ट की तरह बना रखी है, काफ़ी सही पार्किंग लग रही है मेरे को तो। देखो पूरा बेसमेंट में पार्किंग बना रखा है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। बाय बाय बसंती, मिलते हैं बहुत जल्द। तो हमारे पास जो DSLR कैमरा था वो तो भाई उन्होंने नीचे रोक लिया, और अभी तुम्हारे भाई ने जुगाड़ लगाया। ये जो मेरे पास GoPro है ना, इसको मैंने कुछ इस तरीके से उल्टा करके माउंट कर लिया था नीचे की साइड, जिससे कि उनको ना दिखे, और उनको नहीं दिखा एंड मैं ऊपर लेकर आ गया। बाय द वे आप लोग व्यू देखो, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और अभी तक हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, और फर्स्ट है ना ये, मतलब मेरे को लग रहा है कि हम सबसे ऊपर आ गए, मैं फर्स्ट बता रहा हूँ इसको। और यहाँ पे बोटिंग होती है, इसमें बोटिंग अभी तो नहीं हो रही, बिकॉज आज हम आए ना, आज कुछ थोड़ी हो जाएगा इधर। तो यहाँ से चलते हैं, फिर मैं कैमरे का मुंह नीचे की तरफ मोड़ लेता हूँ। वाओ क्या मजा आ रहा है भाई, ऐसे अकेले अकेले घूम रहे हैं हम, क्या चमक रहा है भाई। वैसे हमारे पास कुछ इस कलर की RGB लाइट भी है। वाह पैसा वसूल है गाइस, बाय द वे पैसा तो लगता ही नहीं आने का। आईफोन वाले बड़े दिमाग से काम लेते हैं। आईफोन 11 में जब हम वीडियो को शूट करते हैं तो वाइड में नहीं कर सकते, आईफोन 12 में फीचर डाल दिया कि आप वीडियो बनाते बनाते वाइड कर सकते हो। देखा ना ये आईफोन वाले किस तरीके से पैसा कमाते हैं। हमारी तो दिवाली हो गई इस मॉल में आने के बाद, ये देखो रंग बदलते हैं बार बार, यहाँ के जो गार्ड है ना वो भी बार बार रंग बदलते हैं। बिना कैप के तो मेरा काम चलता ही नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता रहता है जब तक मैं कैप नहीं लगाता कि कुछ अधूरा है। तो कैप मैंने लगा लिया, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर और ज्यादा जाएगा। और मॉल की खूबसूरती देखो, क्या मस्त चमक रहा है। सबसे ज्यादा हमें ये लड़कियों वाला कलर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं तो बाकी आप लोग मॉल की खूबसूरती देखो, काफी खूबसूरत सा मॉल लग रहा है। भैया क्या कर रहे हो? हेलो वाइड में शूट करके देखते हैं, अब शायद आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओहो जीना भी ऐसा बनाया हुआ है, आराम से जाना, गिर मत जाना। ऐसे गोल गोल घुमा दिया हमें तो, और गोल ऐसे जो है बाइक को लीन कराते हैं ना हम किसी मोड पे, इस तरीके से आज हमें लीन कराया जा रहा है। तो अभी हम इसके ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। ग्राउंड ये म्यूजिक चल रहा है ना बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, वो इसलिए आप लोगों को फिर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। ये जो कलाकारी है ना, तो पीछे ये बंदा कर रहा है, जस्ट आप लोग सुनो और फील करो, मस्त। आप लोग रियल में देखोगे ना कभी, बहुत मतलब सुकून से मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एप्पल स्टोर पे मिल गया, तो मेरे को 13 प्रो का प्लान बन रहा है, लेट्स सी आ गया या नहीं। अब सुकून मिला है, नीचे फोटोग्राफी बहुत ज्यादा हो गई। देखो पीछे का व्यू देखो, यहाँ पे ये जो सीढ़ी देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे बहुत ज्यादा शूट हुए हैं, काफी सारे सॉन्ग शूट हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ का व्यू काफी सही है, अगर इधर से इधर घूमते हैं, पीछे दिखाएंगे अभी आपको जाकर। एंड इससे पीछे देखो, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, क्या मस्त व्यू आ रहा है ना, कुछ इंटरेस्टिंग। और वहाँ पे एक पियानो वाले भैया बैठे हैं, बट हमें चांस नहीं मिला वहाँ पे फोटो खींचने का। तो आप लोगों ने अगर प्लाजो सॉन्ग देखा होगा, प्लाजो या प्लाजा जो भी सॉन्ग है, तो वो यहाँ पे ही शूट हुआ था। ये देखो ये जो जीना देख रहे हो ना, यहाँ पे अभी ऊपर जाना अलाउ नहीं है, बट वो यहीं पे ही शूट हुआ था। तो यहाँ से वो लड़की उतर के आती है इस वाले जीने से, हमारे बड़े कमीने इंसान है, हमें नहीं जाने दे रहे थे। बाय द वे ये सब मेरे को लग रहा है कि शूटिंग होती होगी तभी खोलते होंगे,
और जब शूटिंग होती होगी पूरा मॉल बंद भी रहता होगा। और एक सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, मेरी मम्मी नु पसंद नहीं तू, तो वो लड़की यहाँ पे डांस कर रही थी। अब आप लोग अच्छे से देखो, यही वो गोला है जो ऊपर से शूट लिया गया था एंड नीचे वो लड़की डांस कर रही थी। यहाँ काफी सारा फोटो शूट हो गया, इस वाले जीने से हम बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएंगे, बहुत बेकार है। लेट्स गो गाइस, यहाँ से एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। अंकित ने बहुत सारे फोटो खींच दिए मेरे, और एक सच बात बताऊं, मेरा फोटो शूट इतना बेकार है ये सेटिस्फाइड नहीं होता भाई। इस वाले मॉल में एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप नीचे को चलते हो ना तो बहुत ज्यादा फिसलते हैं इस तरीके से, तो कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आते हो संभल के चलना, हाथ पकड़ के चलना। तो यहाँ से अभी हम यू टर्न लेने वाले हैं बिना बसंती के। भैया इधर छोड़ दो, मैं ओखला तक। भाई अगर आप इसमें जाते हो जाओ, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, कट का हो गया पक्का बता रहा हूँ। बहुत महंगा सामान मिलता है इधर। यहाँ पे बोटिंग होती है, मैंने शायद ऊपर से दिखाया था ना अभी, चाइनीज थीम में ये, तो वहाँ से एंट्री 100-200 रुपए लेते होंगे, 150 रुपए टिकट, 150 रुपए टिकट, और यहाँ से घुमा के एक राउंड आपको वापस से पे ले। तीन राउंड घुमाते हैं। अच्छा, तीन राउंड घुमाते हैं। मैं घूमा तीन राउंड गर्लफ्रेंड के साथ ना अकेले। तो अगर आप यहाँ पर बोटिंग करते हो, कर सकते हो, बोटिंग पास में ही है, 150 रुपये में तीन राउंड। और ट्रेन आ चुकी है गाइस, आप लोगों को ट्रेन दिखाते हैं, ये आ गई ट्रेन। भैया एक राउंड कितने रुपये में है? 150 में एक राउंड। तो मैंने आपको अभी ऊपर से दिखाया था, यहाँ से मेरी मम्मी नु पसंद नहीं है तू, वो यहाँ पे नाच रही थी। भाई नाच के दिखाओ, यहाँ पे खड़ी होकर नाच रही थी वो इस तरीके से। बाय द वे अभी यहाँ से एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, आप लोग आओ घूमो, एक दिन में आप आराम से घूम लोगे, सुबह से शाम तक ही घूम पाओगे। काफी बड़ा मॉल है एंड मैं बहुत बोर आ रहा हूँ ना। हाँ इतना सही है। ये रही अपनी बसंती, फटाफट चलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, शाम हो चुकी है, दिल्ली में वैसे भी ठंड होनी शुरू हो गई है, तो अब घूमने के लिए और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग बाहर से देख सकते हो काफी लाइट वाइट जला दी, अब रात होने शुरू हो गई ना, अगर आप रात को आते हो तो और ज्यादा मजा आएगा। ये देखो क्या मस्त लोकेशन, बताओ फटाफट। पीछे वाले को हमेशा डर लगता है, मेरे को बोलता है कि ठोक मत देना। भाई खाली रोड पड़ा है, किसके ठोकेंगे, कोई दिख रहा है क्या आपको दूर से दूर तक? बाय द वे नोएडा एवं दिल्ली जाने के लिए कृपया बाएं ओर मुड़े। मुझे पीछे बता क्या लगा, ब्लैक वाली लैम्बोर्गिनी आ रही, ये वाली। तो मैंने तारीफ कर दी भाई, सच में लैम्बोर्गिनी बन गई इसकी तो। ओ माय गॉड, मैंने तो थोड़ी सी तारीफ की थी, सच में लैम्बोर्गिनी बनानी थी इसमें बहुत। ओ माय गॉड तेरी, भाई क्या कट मार रहा है ये लूंडा। यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ रहा है, देखो काफी सारे बंदों ने यहाँ से यू टर्न ले लिया, उसका रीजन ये है कि आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से तो एक एक करके ही निकल सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि अब इस वाले रोड पे भी ट्रैफिक मिलेगा, और अब इस पे भी ट्रैफिक हो गया, अब हमें वापस लेना पड़ेगा, यहाँ से वापस लेना पड़ेगा। ये देखो गाइस कहाँ पे फंस गए, यहाँ पे बसंती को चढ़ना इम्पोसिबल सा लग रहा है, तो हम रॉन्ग साइड चढ़ा रहे हैं। रॉन्ग साइड चढ़ाने के बाद कोई ठोक ना दे भाई, सही बता रहा हूँ मैं, इतना स्पीड से आ रहे हैं ना लोग, बच गए। तो फाइनली गाइज स्टूडियो में तो आ चुके हैं, अभी हाल ऐसा हो रहा है शक्ल दिखाने लायक नहीं है, तो बस अब फटाफट एडिटिंग चालू करते हैं। ये रहा अपना स्टूडियो, पानी देना भाई, भाई मास्क उठा लो ये। तो अभी देखते हैं भाई रूम का हाल क्या हो रहा है, बाय द वे चेक कर लेना कैमरा भी है या नहीं इसमें। तो गाइज हम कैमरा वैमरा लेके गए थे कि अच्छे से व्लॉग शूट करेंगे, बट वहां पे कैमरा अलाउ नहीं किया, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय।